ये है जी बर्फ की टनल, माशाल्लाह। हाँ हाँ, कहाँ तक खुला है? पूरा बंद। और लेकिन आज मेरी हालत बहुत खराब हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखें। वेलकम टू सनमार्ग, वेलकम टू रियल फेस ऑफ कश्मीर। पहले आप मौसम देखें, उसके बाद मैं आपको टाइम बताऊंगा। वाह, लुक एट द व्यू। 5 बज गए और लास्ट व्लॉग मैंने यहीं पे ख़त्म किया था। ये देखें आप हालत, यहाँ आते आते क्या हालत हो गई वो आप देख सकते हैं। लुक, बाइक की हालत ही ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है ना यहाँ से, और इतना रोड खराब है ना। बहुत खराब रोड है भाई। वैसे मैंने सोचा था कि मैं नाइट स्टे यहीं पे करूंगा, लेकिन मार्केट पूरा बंद, 90% मार्केट सनमार्ग में बंद है, एंड बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अभी मैं वापसी निकलता हूँ, आप लोगों को यहाँ का व्यू पहले मैं दिखाऊंगा। चलो जी निकलते हैं। खाली मुझे एक चीज़ का ख्याल रखना है, गगनगिर का जो स्पॉट है ना, वो मुझे 6 बजे से पहले ही कवर करना है, बिकॉज़ ये वाला एरिया जो है बहुत ही डेंजरस है। शायद मेरे हिसाब से ये 5 से 10 किलोमीटर्स होंगे। बहुत सारी गाड़ियाँ वापस जा रही है, शायद 1-2 बजे तक लोग यहाँ पे आते हैं, फिर अभी 5-5:30 तक वापस निकलते हैं। ये जो गगनगिर तक रास्ता है ना, ये मुझे जल्दी से कवर करना है। यही वाला एक तो ख़राब है, दूसरा डेंजरस भी है। बिस्मिल्लाह। वैसे विंटर्स में पहली बार आ गया हूँ सनमार्ग, इससे पहले तो विंटर्स में नहीं आ गया था कभी। ओह 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 भाई, इतना ख़राब रोड है ना। ओह ओह ओह, यहाँ से द्रास 62, लेह 345, करगिल 119। मैक्सिमम शॉप्स यहाँ से बंद है, होटल भी यहाँ 90% बंद ही है, 10% होटल यहाँ पे खुले हैं अभी। मेरे को फील आ रहा है जैसे लद्दाख जाना है अभी, क्योंकि ये रास्ता लद्दाख की ओर जाता है। अभी बस जोजिला पहुँचने वाले हैं, जीरो पॉइंट पहुँचने वाले हैं। ये वाला एरिया बंद है? बंद? हाँ हाँ, कहाँ तक खुला है? पूरा बंद। ओके, देखा जी भाई, बिस्मिल्लाह। ओ भाई, कहाँ से जाऊँ? ओ ओ ओ ओ, बिस्मिल्लाह। सनमार्ग तक मुश्किल है आना, लद्दाख तो दूर की बात है। बहुत कीचड़ जमा है इस रोड पे, मुश्किल हो रहा है। देखो भाई, यहाँ पे ना बहुत संभल के चलना पड़ता है, कीचड़ से भरा हुआ रोड, ऊपर से छोटे छोटे गड्ढे जो है ना, ये बहुत मुश्किल करता है। रियल फेस ऑफ कश्मीर, वाह। यहाँ से ख्याल रखना है, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर कभी ऊपर से आ जाते हैं। भाई भाई, बर्फ देख रहे हो, नज़ारा देख रहे हो। अभी अंधेरा होने से पहले ही मैं ये कवर कर लूँगा, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल होगा। बिस्मिल्लाह, देख लो भाई, असल में रास्ता जो है ना सनमार्ग का, वो वाला है वहाँ से, लेकिन वहाँ से बर्फ़ नहीं हटाई गई अभी, काम तो चल रहा है उस पर। असल में व्यू जो है वो वहीं से है, वो पहाड़ बर्फ से ढका हुआ। होय 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 होय, माशाल्लाह।
क्या नजारा है भाई यार, इतना खराब रोड आज तक नहीं देखा है। इस राइड में तो इतना खराब रोड नहीं मिला मेरे को कहीं पे। यहाँ से हमें श्रीनगर 81, गांधरबल 60। इसका मतलब अपनी डेस्टिनेशन तक हमें 110 किलोमीटर चलना है। अभी बर्फ देख रहे हो साइड में, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ूंगा दिखाऊंगा कितनी बर्फ है आगे। इतना खतरनाक स्पॉट है ना ये, यहाँ पे इंसान जल्दी निकल भी नहीं सकता क्योंकि खराब रोड है। जल्दी तो कैसे निकलेगा, जल्दी निकलने की कोशिश करेगा तो गाड़ी का इंजन यहीं पे रहेगा। ये देख लो, ओए होए होए, यहीं पे रुकूंगा भाई जब तक वो गाड़ी क्रॉस कर लेगी। बहुत खतरनाक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओह डन। ये है जी बर्फ की टनल। आज बहुत धूल खानी पड़ी मुझे, आगे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओ भाई आगे से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहले मैं चाय पीऊँगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह भाई, क्या हालत देख रहे हो, लाइट देखो कैसे हो गई है, ढीला रह गया कल। ये हो गई है हालत, इतनी धूल थी ना इस पूरी राइड में, मैंने इतनी धूल कभी नहीं देखी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वो है चाय। मैं सोचा यहाँ पे रुक के, दिस इज कॉल्ड गुंड, गुंड में रुके मैं पहले चाय पीऊँगा उसके बाद फटाफट से अपनी डेस्टिनेशन की ओर। लेकिन आज मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, आज मुझे लोग घूर रहे हैं, क्या होगी कि कैमरा के साथ बात कर रहे हैं। सो चाय ख़त्म करते और निकलते हैं। तो भाई साहब पैसे नहीं मार रहे, बोल रहे पैसे नहीं लूँगा मैं। ओके थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। यू नो भाई को मैंने बहुत इंसिस्ट किया लेकिन नहीं माना। यहाँ पे अच्छा खासा स्टोर भी है, लुक वाह बढ़िया, बहुत अच्छा है। अच्छे से मैं इसका शॉट्स लेता लेकिन अभी ना मेरे को बहुत लेट हो गया और बाइक की लाइट अजान जल्ला शाना। ये वाली लाइट ना बहुत ढीली है। हाँ कैन पेट्रोल बिल्कुल। ये वाला बिस्मिल्लाह, क्योंकि ये ढीला रहता है, सो इसको पहले बंद कर देता हूँ। डन मेरे को अभी एल्की नहीं है जिससे मैं इसको टाइट कर सकता हूँ, वो फिर बाद में देखेंगे, तब तक ये डन। अभी बहुत लंबा सफ़र है भाई, बहुत लंबा सफ़र है।
चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इसकी लाइट्स ना अभी बहुत ऊपर गई है, अभी ऑलरेडी मेरे को लेट हो गया। अब इनको ऐसे रखना है, बिस्मिल्लाह। चलो जी भाई आगे बढ़ते हैं। अंधेरा तो ऑलमोस्ट हो गया, बिस्मिल्लाह। अभी बहुत आगे चलना है हमें। भाई साहब साइड देंगे आप? यार अभी हम पहले टैंक फुल करते हैं। मैं सोचा था मैं सोनमर्ग में करूंगा लेकिन वहां पे बंद था। पहले ना मैं यहां से मैप चेक कर लूं, अगर मैं मेन गांदरबल की तरफ निकला तो कितना टाइम लगेगा, या अगर सीधे मैं नेशनल हाईवे से निकला तो कितना टाइम लगेगा। ऐसी दो रास्ते हैं अभी मेरे पास। इसको अगर मैं लोकेशन दूंगा, अवंतीपुरा, तो मेन गांदरबल से ये मेरे को दिखा रहा है 58, और अगर हम सीधे निकलेंगे तो ओए होए होए 71। बेहतर है कि मैं गांदरबल से होके। सलाम अलैकुम। हाँ जी ठीक है आप? तो जी ठीक असल भाई सर ठीक। हाँ बो वन लोकेशन यप ग सहल कि यप यप हावन बस 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 शुक्रिया शुक्रिया जजाक थैंक यू आबाद। हाँ तीशु चलो भाई बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह गड़बड़ हो गया था भाई, देखा बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह इतनी दूर यार, सोनमर्ग से वापस आते हैं ना खाली धूल खा रहा हूँ मैं। Here is the main Gandarbal. Oh, भाई अभी बहुत लंबा सफर है। देख लो भाई यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे बुलवार्ड रोड, क्योंकि वहां से दूर पड़ेगा। बहुत थक गया मैं आज। ये उठा रहा है क्या? शाबाश। चलो जी यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, निकलो। बहुत थक गया, बहुत थक गया यार। चलो मैं निकलता हूँ। ओके बाय 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 बिस्मिल्लाह बाय। अब मैं पहुँचा अपने एरिया में, ये देख लो हालत। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? तो कल रात को मैं पहुंचा था ना, फिर मुझे वो हिम्मत नहीं रही कि मैं ये क्लिप बनाऊं, तो अभी गुड मॉर्निंग एंड प्यार भरा सलाम। नए दिन की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो करें ज़रा। अगर अच्छे लगे वीडियोज़ तो कर दें, अगर नहीं लगे अच्छे तो अनसब्सक्राइब कर दें। और अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगला वीडियो जो भी बनाऊँ ना, मैं कैंपिंग करूं। कैंपिंग करने का मूड आ गया रात को, बड़ा मज़ा आता है खाना बनाने में, फिर वो एक्सपीरियंस बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो लास्ट रमज़ान में किया था मैंने, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कल या आज मैं वो कैंपिंग करूं किसी न किसी जगह पे। अगर आप जगह सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं किस जगह पे करूं। और
कश्मीर में, कश्मीर में चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप जल्दी से कमेंट करें अगर कोई जगह अच्छी सी आपको मालूम है तो वहाँ पे मैं जाऊँगा, अच्छे से कैंपिंग करेगा तो मज़ा आएगा। और आप अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को एंड करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।